पिछले एक महीने से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद हैं। तमाम कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। वो कहते हैं कि जेल में बैठकर वो अपनी सरकार चला सकते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली हाई कोर्ट को दिल्ली के स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों के भविष्य की चिंता सता रही है। कोर्ट का कहना है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी स्कूली बच्चों की पढ़ाई में बाधा नहीं बननी चाहिए। हाई कोर्ट ने माना कि दिल्ली का सीएम बने रहने का फैसला केजरीवाल का निजी फैसला है, लेकिन जनहित और राष्ट्रहित की मांग है कि इतने अहम पद पर बैठा शख्स अनिश्चित काल के लिए गैर मौजूद न रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इन दिनों तिहाड़ जेल में कैद हैं और अब उनकी गिरफ्तारी से दिल्ली सरकार की हालत पर हाई कोर्ट ने अपनी चिंता व्यक्त की है। दरअसल एमसीडी स्कूलों के बच्चों के लिए नए सेशंस की किताबें, पढ़ने लिखने के सामान के खर्च की व्यवस्था को लेकर कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल का मुख्यमंत्री बने रहने का फैसला उनका निजी फैसला है, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी स्कूली बच्चों की पढ़ाई में बाधा नहीं बन सकती। ये स्कूली बच्चों का संवैधानिक अधिकार है। ऐसे में एमसीडी कमिश्नर को तुरंत 5 करोड़ की सीमा से बाधित हुए बिना इन जिम्मेदारियों के लिए जरूरी खर्च उठाने चाहिए और ये खर्च कानूनी ऑडिट पर निर्भर होंगे। हाईकोर्ट में पेश की गई दिल्ली सरकार की दलीलों से असहमति जताते हुए कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली सरकार ठहर गई है। दिल्ली ही नहीं, किसी भी राज्य के सीएम का पद काफी अहम होता है। इस पद पर बैठने वाले शख्स को 2400 घंटे मौजूद रहना पड़ता है। ये कहना गलत होगा कि आचार संहिता के दौरान अहम निर्णय नहीं लिए जा सकते। संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को हर रोज जरूरी फैसले लेने पड़ते हैं। दरअसल हाईकोर्ट में दायर अर्जी में कहा गया था कि प्रशासनिक बाधाओं के कारण लगभग 2 लाख छात्रों के लिए बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। वहीं दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने सोमवार को तिहाड़ जेल में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। इस दौरान सीएम ने सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी ली। मुलाकात के बाद जेल के बाहर आते ही आतिशी ने कहा कि जेल के अंदर भी केजरीवाल जी को अपनी नहीं बल्कि 2 करोड़ दिल्ली वासियों की चिंता है। सुनिए। अभी मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से मुलाकात करके आ रही हूँ। उन्होंने पूछा कि क्या मोहल्ला क्लिनिक में जो दवाइयों की समस्या चल रही थी वो समस्या हल हुई कि नहीं हुई, क्या दिल्ली को लोगों को दवाइयाँ मिल रही हैं, मुझे बताओ कि काम कैसा चल रहा है, सब कुछ ठीक है कि नहीं है, क्या स्कूलों में किताबें टाइम से पहुँच गई हैं, बच्चों को अपनी पढ़ाई में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। उन्होंने उसके बाद कहा कि ये जरूर इंश्योर करना कि गर्मियों का मौसम आ रहा है, दिल्ली वालों को बिल्कुल भी पानी की समस्या नहीं होनी चाहिए। आपको बता दें कि केजरीवाल दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फिलहाल तिहाड़ जेल में हैं। सुप्रीम कोर्ट के सामने केजरीवाल की ओर से अभिषेक मनु सिंह भी पेश हुए, जिनसे सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आपने ट्रायल कोर्ट के सामने जमानत अर्जी दाखिल क्यों नहीं की। इसके जवाब में सिंघवी ने कहा, कई कारण थे और उन कारणों में एक ये है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी अवैध है, ये पीएमएलए एक्ट की धारा 19 का उल्लंघन है। खैर, अब देखना यह होगा कि जेल से ही अपनी सरकार चलाने की जिद पर अड़े अरविंद केजरीवाल दिल्ली के स्कूली बच्चों के भविष्य को लेकर क्या फैसला करते हैं और आखिर कब तक कोर्ट के आदेशों का पालन किया जाता है। तो फिलहाल की इस खबर में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत।